हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आदिज्योति IAS। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी के एक पोर्शन को जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये समझने के पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। जियो एंड मॉर्फोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो मीन्स अर्थ एंड मॉर्फोलॉजी इसका मतलब स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम इसको मिला के पढ़ें तो इसका मतलब होगा कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। ये हो गया जियोमॉर्फोलॉजी। इसका मतलब कि हम अर्थ के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। हम ये समझें इसके पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो पहले जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी मेथडोलॉजी अवेलेबल है जिससे हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थ बाय एक्सकेवेशन। जो पहला मेथड है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब जस्ट बाई डिगिंग, खुदाई करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत लॉजिकल भी है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के इंटीरियर का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास क्या तरीका है कि बाई डाइसेक्शन। जब हम बायोलॉजी में या जूलॉजी में किसी एनिमल की, किसी भी लाइफ फॉर्म की अगर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको डाइसेक्ट करते हैं और उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ के साथ में हमारे वैज्ञानिकों ने यही करने की कोशिश की कि अर्थ को डाइसेक्ट करके हम उसके इंटीरियर का पता लगा लेते हैं। हमने शुरू किया एक्सकेवेशन, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद हम 12 किलोमीटर के अंदर तक के ऊपर किससे ज़्यादा अंदर नहीं जा सके। यानी कि द डीपेस्ट विच ह्यूमन बीइंग कुड एवर रीच इज जस्ट 12 किलोमीटर्स। और ये कारनामा करके दिखाया था रशियंस ने। रशियंस ने बहुत सारी कोशिशों के बाद भी 12 किलोमीटर से ज़्यादा डीप नहीं पहुंच पाए। तो हमारा अर्थ के इंटीरियर को समझने का सपना थ्रू एक्सकेवेशन फेल हो गया। और आपको पता होगा कि अर्थ का रेडियस कितना है, अराउंड 6400 किलोमीटर। यानी कि जर्नी तो अभी बहुत लंबी है और हम पहुँच पाए कितना, सिर्फ 12 किलोमीटर। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या लेकर आए हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने फिर दूसरा मेथड खोजना शुरू किया और वो है बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रॉक सिस्टम। वो रॉक सिस्टम जो कि होता तो अर्थ के इंटीरियर का है लेकिन by some means वो हमको प्राप्त हो जाता है बाहर। कैसे प्राप्त होता है, थ्रू volcanic eruptions, जो कि हमको volcanic eruptions से मिलता है।
तो इनसे हम लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। क्यों सफलता नहीं मिली वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर से प्राप्त रॉक्स की स्टडी की, तो हमें जो डेंसिटी मिली, एवरेज डेंसिटी ऑफ द रॉक्स, वो मिली अराउंड 2600। लेकिन हमको इसी समय बाई सम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ये बात पता चल चुकी थी कि अर्थ का मास कितना है, अर्थ का वॉल्यूम कितना है, साइज कितना है। तो अगर अर्थ के मास और वॉल्यूम का एक रेशियो ले लिया जाए, तो इससे अर्थ का ओवरऑल डेंसिटी पता चल जाएगा। अर्थ ओवरऑल डेंसिटी ये आया थ्रू सम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। और ये कितना आ रहा है, अराउंड 5600। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना ज्यादा आ रहा है। ओवरऑल अर्थ का डेंसिटी है 5600 और अर्थ के इंटीरियर से प्राप्त रॉक्स की डेंसिटी है 2600। ये रॉक्स जो हमको मिल रही हैं, ये कितने डेप्थ से मिल रही हैं? ये तो है क्रिस्टल रॉक्स, बहुत ज्यादा डीप डाउन अर्थ की तो रॉक्स हमको प्राप्त हो नहीं पा रही हैं। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी है 5600 और क्रिस्टल रॉक्स की डेंसिटी है ओनली 2600। ये जो डिफरेंस है, ये हमको ये बात बताता है कि अर्थ के डीप बहुत ज्यादा इंटीरियर में कोर के आसपास कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स या एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कहने का मतलब 5600 से भी ज्यादा होगा, तब तो एवरेज आएगा 5600, क्योंकि क्रस्ट के रॉक्स की डेंसिटी तो सिर्फ 2600 के आसपास आई है और ओवरऑल डेंसिटी है 5600। इसका मतलब कि कोर के आसपास यानी कि एकदम डीप डाउन द अर्थ डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, डेंसिटी शुड बी मोर देन 5600। कुछ बहुत ही ज्यादा डेंस अर्थ के इंटीरियर में मौजूद है जो कि अभी हमको समझ में नहीं आ पा रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहां से शुरुआत हुई हमारे तीसरे मेथड की, अर्थ के इंटीरियर को समझने का हमारा तीसरा प्रयास, और वो क्या है, बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीटियोर्स। आपको पता है कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। बाय द प्रोसेस नोन एज प्लेनेटरी एक्रीशन, इस प्रोसेस के थ्रू अर्थ और इसके हमारे साथ के बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साथ ही साथ कुछ ऐसे रॉक सिस्टम्स हैं जो कि पूरी तरह से प्लैनेट नहीं बन पाए और छोटे छोटे रॉक फॉर्म्स में वो आज भी सन का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेशन का टाइम और फॉर्मेशन का मेथड वो सेम है, फॉर्मेशन के लिए जो अवेलेबल मटेरियल था वो भी सेम है, जिस मटेरियल से अर्थ बनी है उसी मटेरियल से ये मीटियोर्स भी बने हुए हैं। अगर हम इनका इन्वेस्टिगेशन कर लें तो शायद हमको ये बात पता लग सकती है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो ऐसे ही कुछ इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों को ये बात पता चली कि इनका, इन मीटियोर्स के जो कि हमारे पृथ्वी पे हमेशा गिरते रहते हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन से हमको पता चला कि इनकी डेंसिटी भी आई अराउंड 5600, जो कि अर्थ की डेंसिटी से बहुत ही नजदीक है, आसपास ही थी।
बहुत ही सिमिलर डेंसिटी से हमको ये बात समझ में आ गई कि इनके केमिकल कॉम्पोजिशन को अगर स्टडी कर लिया जाए तो हमको ये बात पता लग जाएगी कि अर्थ के इंटीरियर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। वो किया हम लोगों ने और उससे पता ये लगा कि इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में जो प्राइमरी मटेरियल है द प्राइमरी मटेरियल इज आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल, जो कि हमारे क्रस्टल रॉक्स में बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद है, हमारे क्रस्टल रॉक्स में बहुत कम अमाउंट में मौजूद है। इसका मतलब कि निकल और आयरन हमारे अर्थ में भी होगा लेकिन कहां पे होगा, बहुत ही ज्यादा इंटीरियर में, यानी कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो कोर है ऐसा हमको लगा कि वो भी बना होना चाहिए आयरन और निकल से, तभी जाके हमारी डेंसिटी भी 5600 के आसपास पहुंच पाएगी, जैसा कि इन मीटियोर्स के इन्वेस्टिगेशन से हमें पता लग रहा है। तो ये तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि अंदर कोर के अंदर जो सबसे ज्यादा अवेलेबल मटेरियल होगा इट इज आयरन, इट शुड बी आयरन एंड निकल। लेकिन अंदर अभी है क्या और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अभी भी पता नहीं लग पा रहा है। तभी उस समय एक नई साइंस की खोज हुई, एक साइंस का एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ जिसको बोलते हैं सीज्मोलॉजी। और सीज्मोलॉजी ने हमारे अर्थ के इंटीरियर के इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ज्यादा ईज कर दिया, बहुत ही आसान बना दिया और हमारे अर्थ के इंटीरियर की समझ को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। वो किस तरह से, आइए देखते हैं सीज्मोलॉजी। उसके पहले देखेंगे कि होती क्या है। सीज्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सीज्मिक एक्टिविटीज एंड वेव्स, सीज्मिक एक्टिविटीज एंड सीज्मिक वेव्स। सीज्मिक वेव्स और सीज्मिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज जिनसे अर्थ के क्रस्ट में कोई मूवमेंट हो और अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ऐसी कुछ एक्टिविटीज हो और उनसे कुछ मीडियम वेव्स निकले। उन मीडियम वेव्स के, जिनको कि हम सीज्मिक वेव कहते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अर्थ के इंटीरियर का पता लगा सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया और इस साइंस को बोलते हैं सीज्मोटोमोग्राफी, सीज्मोटोमोग्राफी मींस स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ यूजिंग सीज्मिक वेव्स। हालांकि ये सीज्मोटोमोलॉजी नहीं है, सीज्मोटोमोग्राफी है। इसका मतलब ये है कि हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टडी से भी ज्यादा आप बोल सकते हैं प्लॉटिंग ऑफ, प्लॉटिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ यूजिंग सीज्मिक वेव्स, सीज्मोटोमोग्राफी। सीज्मोटोमोग्राफी आने के बाद से हमारी अर्थ के इंटीरियर की समझ एकदम से बढ़ गई और वो कैसे, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा सीज्मिक वेव्स के बारे में कि सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। सीज्मिक वेव्स, जैसा कि मैंने बताया, अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज में जिन वेव्स का जनरेशन होता है उन वेव्स को कहते हैं सीज्मिक वेव्स। और ये सीज्मिक वेव्स दो तरह की होती हैं, एक वो जो कि अर्थ के इंटीरियर से निकलती हैं और इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं, उनको हम बोलते हैं सीज्मिक बॉडी वेव्स, सीज्मिक बॉडी वेव्स। और वो वेव्स जो कि सरफेस पे पहुंचने के बाद सरफेस पे ट्रेवल करती हैं,
ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं सीज्मिक सरफेस वेव्स। तो हमारे पास दो तरह की वेव्स हो गई, फर्स्ट इज बॉडी वेव्स, सेकेंड वन इज सरफेस वेव्स। अगर ये दो तरह की वेव्स हमारे पास हैं, इनके भी टाइप्स देखेंगे। बॉडी वेव्स ये भी दो तरह की होती हैं, फर्स्ट इज पी वेव्स, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वेव्स, सेकेंड वन इज एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स। एंड दिस इज प्राइमरी वेव्स। ये दो तरह की वेव्स है हमारे पास। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पहले कौन सी जनरेट होती होगी, यहां पे भी हमें इंटरफेस मिलेगा, यानी कि जहां पे डेंसिटी का अब्रप्ट चेंज होगा वहां पे दो फेनोमेना होंगे। एक होगा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन विद अ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वेलोसिटी, और दूसरा होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जब भी होगा पी वेव्स के साथ में, रिफ्लेक्शन हमेशा एस वेव का होगा, और एस वेव के केस में इंटरफेस पे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के केस में, एस वेव के केस में जब ट्रांसमिशन होगा तो वो होगा अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो ज्यादा वेलोसिटी का एस, और अगर डेंसिटी कम हो रही है तो कम वेलोसिटी का एस। रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो एक कम वेलोसिटी का अ स्लोअर एस प्रोड्यूस होगा। पी के केस में रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो हमेशा एक एस वेव होगी। एस के केस में क्या होगी, अ स्लोअर एस, और पी के केस में क्या होगी, एस। ट्रांसमिशन पी के केस में कौन सी वेव होगी, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो अ फास्टर पी, और डेंसिटी कम हो रही है तो अ स्लोअर पी। ये कुछ चीजें हम लोगों ने समझ ली। इन्हीं का इस्तेमाल करके अब हम लोग सीज्मोटोमोग्राफी करेंगे।